हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लोग प्रवीण भाई तोगड़िया के आह्वान पर अयोध्या के लिए रवाना हुए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता शनिवार की रोज बाड़मेर से अयोध्या के लिए भगवान श्री राम के जयकारों के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुए। यहां एक बैठक में शामिल होने के बाद वह अयोध्या के लिए निकलेंगे। राज्य भर से जहां हजारों राम भक्त लखनऊ पहुंचेंगे। राम भक्तों के मुताबिक हमने सरकार को समय दिया था कि केंद्र सरकार विजयादशमी तक हिंदुओं के दिए गए वादे के अनुसार संसद में कानून बनाकर राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण कराए, लेकिन सरकार ने 4.5 साल में राम मंदिर का नाम तक नहीं लिया। जिस भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर भाजपा सत्ता में आई, उसके प्रधानमंत्री एक बार भी अयोध्या नहीं गए। वर्तमान सरकार ने हिंदुओं से विश्वासघात किया है। बाड़मेर के संत निरंकारी आश्रम के आगे से अयोध्या के लिए बसों में जय श्री राम के जयकारों के साथ अयोध्या के लिए कूच किया। एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मामला न्यायालय में लंबित है, वहीं बीते काफी समय से मोदी सरकार पर संतों ने मंदिर निर्माण को लेकर काफी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रवीण भाई तोगड़िया के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अयोध्या कूच कार्यक्रम से मोदी और योगी सरकार दोनों की मुश्किलें बढ़ना तय है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर तले अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण हेतु वहाँ पे कूच किया जा रहा है और यहाँ से लगभग 3 बसें, एक बाड़मेर से, एक धोलमुना से, एक बालोतरा से, 160 आदमी जा रहे हैं वहाँ से। यहाँ से हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ एक मीटिंग होगी, उसके बाद में बसों द्वारा आगे जाएंगे और वहाँ से 15 किलोमीटर पैदल कूच करेंगे अयोध्या तक। राम मंदिर निर्माण की बात होगी, राम मंदिर निर्माण की तारीख सरकार देगी, उसी के आधार पर आगे आंदोलन होगा। अगर तारीख नहीं दी तो उसका आंदोलन उग्र रूप ही धारण कर सकता है। मंदिर निर्माण करेंगे। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।